भी है, एक नेड कर रहे हैं, शायद वो क्लेव्स हो सकता है वो वाला नेड, बट नहीं, स्काउट अपनी टीम के लिए काफी ज्यादा दूर से सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा बट नहीं, प्यारा स्प्रे आता हुआ आतंकी को लगभग 5 HP पे छोड़ा है, स्काउट को भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। रौनक अंदर के साइड पे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कारण उनके हाथ में ऑम भी है, अगर रिलोड हुई तो स्विच करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एमजी की बात करें, उनको पता है पीछे से बाकी सारे मेंबर्स रोटेट करेंगे, और ओएस को डाउन किया एमजी, रौनक जस्ट सामने, ओएस को रिवाइव किया जाएगा। एमजी की बात करने की कोशिश कर रहे रौनक कवर किया ओएस को, बट नहीं, पीछे से शॉट फंसा हुआ, आतंकी ऊपर से कूदे डाउन किया रौनक को, परितोष ने डाउन किया आतंकी को, रॉस उधर साइड जाते हुए परितोष डाउन करेंगे, अच्छा ड्रॉप शॉट, एमजे बचे हुए अकेले से एक बार फिर से ड्रॉप शॉट, बट नहीं, इस बार 3 मेंबर डाउन हो चुके हैं, स्काउट को जल्दी ही आना पड़ेगा, काफी ज्यादा दूर है, 3 मेंबर डाउन हो चुके हैं फैनेटिक के, 2 डाउन है, 1 फिनिश भी हो चुके हैं। रौनक की बात करें तो कंफर्म हो चुके हैं सेल्स के 3 मेंबर डाउन है, स्काउट अकेले अपनी टीम से मॉली करने की कोशिश करेंगे, बट उनके मेंबर्स भी वही हैं, भूलना नहीं चाहिए, अगर मॉली पड़ गई तो फिर नॉकआउट होने के चांसेस, बट नहीं, अंदर के साइड पे आते हुए सेल्स के 4 मेंबर्स जिंदा रहेंगे। आई गेस एल्यूजन पहले से डाउन हो चुके थे, 3 मेंबर सेल्स के अगेन रिवाइव हो जाएंगे, बट स्काउट पे पूरा दामोदार अभी के लिए रहेगा, क्योंकि सेल्स स्क्वाड रिवाइव हो चुकी है और उन्होंने हील भी कर लिए, और सेल्स स्क्वाड अब रश करेगी, ये फिनिश किया तो टोटल 8 किल उनके पास होंगे। नेड आया है, बहुत ज्यादा क्लोज नेड, और शायद डाउन हो सकते थे, ओएस की एचपी काफी ज्यादा कम, रिवाइव नहीं कर पाए, और ओएस इसी के साथ ब्लीड कर जाएंगे, 2 मेंबर्स फैनेटिक के डाउन होते हुए, रैंडम स्मोक्स स्काउट का कर चुके हैं, ओएस को फिनिश किया, ओके के द्वारा, और इसके बाद एमजे अकेले बचे हुए, स्काउट ऊपर साइड जाते हुए, एचपी काफी ज्यादा कम है, बट क्लच किया अपनी टीम के लिए, अकेले बचे, बट बढ़िया क्लास, 3 किल्स निकाले अपनी टीम के लिए, सेल्स स्क्वाड